निकल आते हैं आंसू, ज़रा सी चूक हो जाए। अपनों की आंख में काजल लगाना कोई खेल थोड़े ही है। प्यारे दोस्तों, अच्छी बातें करना तो आसान होता है, पर खुद पर ढालना उतना ही मुश्किल। एक बार एक पिता की बेटी का रिश्ता पक्का हुआ। उसने अपने होने वाले दामाद के कान में कुछ कहा और याद रखने को बोला। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। फिर उसने वही बात याद दिलाई। फेरों के टाइम भी बोला, बेटा याद है ना? दामाद बोला, आप घबराए ना, मुझे सब याद है। थोड़ी देर बाद फिर याद दिलाने को बोला तो पत्नी ने टोका, आप ये बार बार याद है ना क्या कर रहे हैं? पिता पत्नी को जोर से बोला, तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे तो लोगों से बात तक करनी नहीं आती। पत्नी चुपके से अपने आंसू पोंछने लगी। मैं तो बस यही याद दिला रहा हूँ, मेरी बेटी से जितना चाहे काम करवाना, परंतु कभी लोगों के सामने बेइज्जत मत करना। विदाई के वक्त फिर से पिता दामाद को याद दिलाने लगा। बेटी ने पिता के हाथ में एक चिट्ठी रख दी, जिसको पढ़कर पिता सन्न रह गया। पता है दोस्तों पत्र में क्या लिखा था? पापा आप भी यह समझ पाते कि मम्मी भी किसी की बेटी है। बेटी एक लाइन में सब कुछ कह गई। किसी ने खूब कहा है, मत कर बेइज्जत किसी अपने को प्यारे, एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आएगा। चलिए फिर मिलेंगे, कभी अलविदा ना कहना।